هم اللهم صل على محمد محمد وعجل اهل بيت اطهار عليهم السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے اور ان کی خاص نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر ایک بار پھر سید الشہداء کے نام پر بیٹھنا نصیب کیا. ہمارے یقیناً کئی دوست احباب ایسے ہوں گے جو پچھلے سال اس فرش عزا پر یا دنیا میں کسی اور جگہ پر فرش عزا پر ہوں گے، شاید دنیا سے جا چکے ہوں گے. ان تمام کی مزید مغفرت کے لیے، ان کی درجات کی بلندی کے لیے، ان کی عزا کی قبولیت کے لیے اور سید الشہداء کے ہمراہ آخرت کی زندگی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم اپنی بہت ساری نعمتیں ہم انسانوں کو عنایت فرماتا ہے جس کے اسرار ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہوتے. خدا تعالیٰ کا ایک فیض ہے، عمومی فیض، جو وہ انسانوں کے اوپر برسا رہا ہوتا ہے. بہت مشکل ہوتا ہے کہ انسان اس سلسلے کو سمجھ سکے جو سید الشہداء کے ذریعے سے دنیا میں جاری و ساری ہے. آج کی جیسے رات، جیسے آپ یہاں تشریف فرما ہیں، اور جو آنے والے ایام ہیں ان کے اندر کتنے کروڑ لوگ ہیں جو اس کام کے اندر مشغول ہیں، خدا جانتا ہے ان کے دلوں کی کیا کیفیت ہے. لوگ خوشیوں کے اندر، نفس پرستی کے اندر اس سے زیادہ تعداد میں بھی مشغول ہو جائیں گے. گناہ کا موقع آتا ہے، بہت سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، لیکن پاکیزگی کے لیے اتنے لوگ جمع ہوں اور اس جذبے کے ساتھ جمع ہوں جو ایک عزادار امام حسین کے دل میں ہوتا ہے، یہ صرف خداوند متعال کا ایک معجزہ ہے. اور کتنے عرصے سے جاری و ساری ہے،
किस अंदाज में जारी है, किस तरीके से लोगों की शिरकत है, उन सब को हम सिर्फ देख सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम आजिज़ हैं इसको समझने से। इसकी बरकतें कितनी हैं, इसके असरात कितने हैं, और ये कितना अजीब सिलसिला है कि असल वाक़े के अंदर कुछ लोग शहीद हुए हैं और उसकी याद मनाने पे लाखों लोग शहीद हुए। ये बड़ी अजीब बात है। ये असल वाक़े में शहीद होने वालों की तादाद कम है, और इसके दिफा में, इसकी याद मनाने में जो लोग शहीद हुए हैं उनकी तादाद नाकाबिले शुमार है इस वक्त। और ये एक और अजीब मौजज़ा है कि जो इस राह में शहीद होता है वो फ़ख्र से शहीद होता है, और उसके पसमानदगान फ़ख्र कर रहे होते हैं। खुदा तआला का इंतहाई करम है कि उसने हमें और आपको इस फ़र्श पे बैठना नसीब किया, और ख़ास कर इंसान इस खातिर भी शुक्र गुज़ार रहे कि आज के ज़माने के अंदर जो एक एतबार से बहुत अच्छा दौर है, इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा इसरार करता हूँ और आपकी खिदमत में अर्ज़ भी करूँगा, और एक एतबार से इंतहाई सख्त दौर है। इंतहाई सख्त दौर इस एतबार से कि बहुत सारे लोगों को हम जहाँ अच्छी तरह तब्दील होता देखते हैं वहाँ बुरा भी तब्दील होता देख रहे हैं। यानी हमने देखा है, आपने भी यकीनन देखा होगा कि ऐसे लोग जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सैयद शुहदा के फ़र्श अज़ा पर गुजारी है उनकी औलाद अब यहाँ पे नहीं है। आपने यकीनन ऐसे केसेस देखे होंगे और मैंने यकीनन देखे। ख़ासकर इंसान को सोचना होता है कि जो खुदा तआला नेमतें नसीब फरमाता है इनको क़्यामत तक जारी रखना, ये खुदा का वादा नहीं है कि हम कुछ भी करें और खुदा जारी रखेगा। इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए हमें इसका हक अदा करना पड़ेगा। जो वाकई माना में शुक्र है वो बजा लाना होगा ताकि इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम इस नेमत को हमारी और आपकी नस्लों में क़्यामत तक जारी व सारी फरमाए इंशाअल्लाह ताला। चंद नुकात मजमूई तौर पर अज़ादारी की इब्तिदा के उनवान से अर्ज़ करूँगा, और इंशाअल्लाह कुछ मिनट्स के अंदर जो मौजू हमारे पास इस साल के लिए है उसके हवाले से नुकात अर्ज़ करूँगा। एक बार फिर तमाम असदारा ने सैयद शहदा की जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत के लिए, मज़ीद तौफ़ीक़ात के लिए, परचम अज़ा की इज़्ज़त और मज़ीद सरबुलंदी के लिए दुरूद भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। खुदा तआला ने कुरान करीम में सूरह इब्राहीम में कुछ चीज़ों को शजर तैयबा से मिसाल दी है। फरमाए कलिमतुन तैयबा का शजरतिन तैयबा असलहा साबित व फ़रउहा फिस समा तोती ओकोलहा कुल्लहीन बेइज़्नी रब्बिहा। एक ऐसा पाकीज़ा दरख्त है जिसकी जड़ें तो ज़मीन में हैं लेकिन शाखें आसमान तक फैली हुई। हमारे ख्याल में बिला किसी तरदीद के अज़दारी सैयद शहदा इस पाकीज़ा दरख्त का बेहतरीन मिसदाक है। इसकी जड़ें करबला में हैं और शाखें पूरी कायनात में फैली हुई हैं। तो ती ओकोलहा कुल्लहीन बेइज़्नि रब्बिहा, हर ज़माने में खुदा के इज़्न से फल देता रहता है। यह ज़िम्मेदारी सैयद शहदा है, और इसके लिए जो हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है वो बहुत कीमती, बहुत सख्त ज़िम्मेदारी। मजमूई तौर पर हम कह सकते हैं कि जो कुछ सैयद शहदा की शहादत, जो कुछ सैयद शहदा की इस तहरीक और जद्दोजहद के ज़रिए से हासिल होना था वो सब का सब इस आज़ादारी सैयद शहदा के ज़रिए से हासिल होना। आप उसके मकासद को देखिए, उसके फ़लसफ़े को देखिए। शहादत का फ़लसफ़ा क्या है? ये जो जद्दोजहद अंजाम पाई थी वो किस लिए अंजाम पाई थी? और इसमें बेहतरीन काम यह है कि ख़ुद सैयद शहदा के अल्फाज को देखिए। सैयद शहदा ने क्या इरशाद फरमाया? हम और आप तो जाहिर है कि अपने महदूद जहन से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे बेहतर तो वही समझाएंगे कि जो ख़ुद इस तहरीक और इस जद्दोजहद को अंजाम दे रहे थे।
سید الشہداء نے ایک موقع کے اوپر تین انتہائی بنیادی جملے ارشاد فرمائے تھے، فما لنری المعالم من دینک، خدایا ہم چاہتے ہیں تیرے دین کی نشانیوں کو آشکار کر دیں، ونظہر الاصلاح فی بلادک، ہم چاہتے ہیں اصلاح تیرے شہروں کے اندر ظاہر ہو جائے، ویامن المظلومون من عبادک، ہم خدایا چاہتے ہیں کہ تیرے مظلوم بندوں کو پناہ مل جائے۔ یہ سید الشہداء کے اہداف ہیں، اور اسی عظیم الشان قول کی ابتدا میں ارشاد فرمایا تھا، خدایا تو جانتے ہیں کہ ہم نے طاقت کے لیے، پیسے کے لیے یہ جنگ انجام نہیں دی، ہمارے اہداف یہ ہیں۔ جو اگر میں اس کو سمجھنے کی کوشش کروں، لِنُورِ الْمَعَالِمَ مِن دِينِكَ، ہم چاہتے ہیں تیرے دین کی نشانیوں کو ظاہر کر دیں، آشکار کر دیں۔ دین کی نشانی کسے کہیں گے؟ آج کے دور میں دین کی نشانی کسے تعبیر کروں؟ یعنی اگر کوئی مجھ سے پوچھے طالب علم ہونے کے ناطے کہ بھئی آپ چند دن سید الشہداء کی عزاداری میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کریں گے، آپ اس سے کیا حاصل کرنا چاہیں گے؟ ہر کام انسان زندگی میں کسی مقصد کے لیے انجام دیتا ہے، اور کاموں کا جو اجر ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے، مقام ہوتا ہے، وہ اس کی نیت سے طے ہوتا ہے۔ جو میرے دل کے اندر نیت ہے وہ تو آپ نہیں جان سکتے، لیکن کم سے کم مجھے آپ کو یہ تو بتانا چاہیے کہ نیت کیا ہونی چاہیے، کیا ہو جائے گی یہ اللہ محفوظ کرے گا انشاءاللہ، لیکن کم سے کم یہ تو بتاؤ کہ کیا ہونی چاہیے۔ تو اگر مجھ سے کوئی پوچھے بھائی ہم عزاداری سید الشہداء میں مشغول ہوں گے اللہ کی دیوی توفیق سے، اس سے ہم کیا حاصل کرنا چاہیں گے؟ میں نے عرض کیا میں یہ دیکھوں گا سید الشہداء کی جو تحریک تھی، جد و جہد تھی، اس کے ذریعے کیا حاصل ہونا تھا، وہ مجھے یہاں نصیب ہونا چاہیے۔ اب ہم لوگ ظاہر ہے کہ اگر ہم سید الشہداء کی اس عظیم الشان قربانی کو صرف ہسٹری کا پیس سمجھیں اور یہ انتظار کریں کہ کوئی یزید آئے گا اور میں یزید کے خلاف جنگ شروع کروں گا اور پھر کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا اور میں ایک جگہ محصور ہو جاؤں گا، مجھے محاصرہ کر لیا جائے گا، اب میں حسینی کردار انجام دوں گا، شاید ایسا نہیں ہوگا، شاید مجھے یہ سعادت نہ مل پائے کہ مثال کے طور پر کوئی ظالم آئے گا جس کے خلاف میں جہاد کروں گا، جنگ کروں گا، اس جنگ کے معرکے کے اندر ایک جگہ پہ موجود ہو جاؤں گا، پھر میں امام حسین کا کردار، میں کہوں گا محدود کیوں کر رہے ہو۔ سید الشہداء کے لیے ہم لوگ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، آپ اور میں سب استعمال کرتے ہیں، کل یوم عاشورا وکل ارض کربلا، اس کا کوئی مفہوم تو ہونا چاہیے۔ یہ جو ہر روز عاشورہ بنے، ہر روز کربلا بنے، ہر روز تو جنگ نہیں ہوتی ہے، ہر روز تو اس طرح سے نہیں ہوتا، تو میں اس کو کس انداز میں دیکھوں؟ تو میں کہوں گا آپ کے اور میرے سامنے کربلا کے واقعے کو اتنی مرتبہ بیان کیا گیا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور سید الشہداء نے جو کچھ فرمایا، جو کچھ انجام دیا، اتنی مرتبہ مصائب میں، فضائل کے اندر بیان کیا جا چکا ہے، شاید ہی اب کوئی جملہ ایسا ہو کہ جو کبھی بیان نہ ہوا ہو۔ ان کو دہرا کے دیکھیے، ایک وہ ہے جو ظاہر میں چند واقعات ہیں، ایک اس کی روح ہے۔ روح کیا ہے؟ سید الشہداء اس شہادت کے موقع پر، جہاد کے موقع پر، سید الشہداء کے چاہنے والے اس کے بعد کیا چیز زندہ کرنا چاہتے ہیں؟ اور کاش ایسا ہو کہ خدا مجھے اس توفیق دے دے کہ میں گفتگو صرف نہ کروں، ہم اور آپ اس کو اپنے دلوں میں زندہ کر سکیں کسی طرح سے، کاش ایسا ہو جائے۔ تو جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ سید الشہداء اپنی شہادت کے ذریعے سے سب سے اہم چیز جو بار بار سامنے لا رہے تھے وہ توحید کا پیغام تھا، ابتدا سے لے کر انتہا تک توحید، مختلف انداز میں توحید، مختلف طریقوں سے توحید، ہیومن کیریکٹر کے مختلف آسپیکٹس میں۔ مثال کے طور پر
एक दफा तौहीद यह होती है कि मैं बहुत सारी चीजों को तैयार करता हूं, सब कुछ मेरे कंट्रोल में होता है, और कंट्रोल करने के बाद मैं खुदा मुताल से कहता हूं, खुदाया सब कुछ मैंने तैयार किया है लेकिन मैं जानता हूं मालिक तू ही है। ये तौहीद है कि आप अपने ऊपर इन्हिसार ना करें, सब कुछ होने के बावजूद सिर्फ खुदा पे इन्हिसार करें। ये तौहीद की एक सतह। इसके मुकाबले में क्या होगा? इसके मुकाबले में यह होगा, नाऊज़ बिल्लाह ताला, कोई इंसान रिसोर्सेज होने की वजह से ना समझ सके कि खुदा का रोल क्या है, जैसा कि इंसानों के साथ हो जाता है। जब रिसोर्सेज होती हैं, जब सब कुछ सही होता है, ज्यादातर लोग भूल जाते हैं कि खुदा का रोल क्या है। एक तौहीद यह है कि आप अपनी तमाम तर रिसोर्सेज के होते हुए सिर्फ रूटीन के ऊपर मत छोड़ें। हमारे साथ एक मुश्किल है, हम उन खुदा की उस मदद को तो समझ जाते हैं जो रूटीन से हटकर आती है, लेकिन उस मदद को नहीं समझते जो हर वक्त रूटीन में आती रहती है। मसलन अगर एक हादसा होते होते रह गया और मैं उस हादसे में बच गया, कोई एक्सीडेंट होने वाला था, नजर आ गया कि होने वाला है लेकिन मैं बच गया, तो मैं कहूंगा खुदा ने बचा लिया। और ये एक्सीडेंट का फॉर्मेट ना बनता और रूटीन में मैं बचता रहता, तो क्या मुझे पता चलता कि खुदा ने बचा लिया? नहीं, मामूलन नहीं। अगर कोई बीमार हो जाए, हॉस्पिटल पहुंच जाए और डॉक्टर कह दे कि भाई अब मामला खत्म हो गया और फिर बच जाए, तो मैं कहता हूं खुदा ने बचा लिया। और ये जो मैं सेहतमंद घूम रहा हूं, ये किसने बचा लिया? ये क्या खुदा ने नहीं बचाया? तो ये भी तो खुदा ने बचाया है। तौहीद क्या है? तौहीद ये कि इसको समझो कि सब कुछ होते हुए भी जो असल है वो खुदा ही है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन करबला इससे भी अगला दर्स है। ये एक रूटीन है, ये एक तौहीद है। करबला की तौहीद क्या है? करबला की तौहीद, मैं इंशाल्लाह अगले 10 दिनों के अंदर आपकी खिदमत में इसके मुख्तलिफ हिस्सों को अर्ज करने की कोशिश करूंगा। मेरे मौजू का एक हिस्सा ये, एक करबला की जो तौहीद जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि जब आपके पास कुछ नहीं है और आपको पता है कि दुनिया के एतबार से मेरे पास कुछ भी नहीं है, उसके बाद आप अपनी बहन को अलविदा करते हुए कहें खुदा हमारे साथ है। ये तौहीद है, ये तौहीद है। अच्छा, इसे कौन समझ सकता है? मैं तकरीबन गारंटी से कहूंगा, बहुत सारी मुसीबतें खुदा इंसानों पर इसलिए लाता है ताकि मोमिन ये समझ सके कि खुदा क्या है। कभी ऐसा होता है कि आप एक जगह पे जिंदगी गुजार रहे होते हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है, अचानक सब कुछ टर्न होना शुरू हो जाता है, और इतना टर्न होता है कि तमाम वो चीजें जिनको आप सही समझ रहे थे वो सब की सब आपके हाथ से निकल जाती। जब सब कुछ आपके हाथ से निकल जाता है, अब आपके हाथ में कुछ नहीं रहता, अब आपको अपने आप से पूछना होता है, अब मैं खुदा को मानता हूं या नहीं मानता हूं? अब वो जो खुदा को मानता है वो सब कुछ निकलने के बाद अपने अंदर खाली एहसास नहीं करता। वो कहता है जब सब कुछ था तब भी इनका असर नहीं था, खुदा का ही था, और अब जबकि कुछ नहीं है तब भी असल खुदा ही है, खुदा ही है। ये करबला की तौहीद का एक हिस्सा है। करबला ने तौहीद हमें सिखाई है, ये तौहीद हमें बताई है, और जगह जगह शुरू से लेकर आखिर तक, और जाहिर है इसकी जो अजमत हमें नजर आती है वो उस आखिरी सजदे के अंदर रिजन बेकजा का। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, क्या हम इन 10 दिनों में ये तौहीद दर्क कर पाएंगे? क्या हमें इन 10 दिनों में तौहीद का ये हिस्सा नहीं समझना चाहिए? अच्छा, खुदा ना करे, नाऊज़ बिल्लाह ताला, अगर मैंने 10 दिन गुजार दिए सईदुश्शहदा की अज़ा में अल्लाह की दीवी तौफीक से, लेकिन मैं इस रूह तौहीद को नहीं समझ सका, यह असल मेरी तवज्जो ही नहीं गई। क्यों तवज्जो नहीं गई? मैं उस मुश्किल में पड़ा ही नहीं,
मेरी जिंदगी में सब कुछ सही है, यानी मेरे पास तो इस मजलिस के शुरू होने और ख़त्म होने का टाइम भी बिल्कुल सही लगा हुआ है, मुझे क्या मुश्किल है। अगर सब कुछ ऐसे ही गुजर रहा है, कोई सख्ती नहीं, कोई मुश्किल नहीं, कोई परेशानी नहीं, ये 10 दिन हुए, मैं आया और मैं गया और अज़ा भी कर लिया, सब कुछ हो गया, तौहीद समझ में आई? नाऊज़ु बिल्लाह, न समझ में आई। तो मैं आपसे पूछूंगा, क्या आपको अपने आप से नहीं पूछना चाहिए कि मैंने कुछ मिस किया? हाँ, आपने मिस किया, क्योंकि अज़ादारी सैयदुश शुहदा उस शहादत के असरात को देने के लिए थी, और वो जो शहादत थी उसने हमें तौहीद सिखाई है, हमें तौहीद सीखनी चाहिए। इस तौहीद का क्या असर होगा, मैंने तौहीद का एक हिस्सा आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, सिर्फ एक जुमले में और इसको अर्ज़ करता चलूँ, इससे भी सख्त मरहला आएगा। एक दफ़ा होता है वसाइल रिसोर्सेज हमारे हाथ में होते हैं, हमें तौहीद देखनी होती है। एक दफ़ा रिसोर्सेज हाथ में नहीं होते और तौहीद देखनी होती है, एक तीसरा लेवल है। न सिर्फ एक रिसोर्सेज हाथ में नहीं होते, अब थोड़ा सा सख्त लफ्ज है ये, ऐसी कोई जगह आती है इज्जत भी हाथ में नहीं रहती जाहिरी तौर पे। सख्त तरीन जिंदगी की मुश्किलात क्या होती हैं, शायद मसाइल में भी अर्ज करूंगा, सख्त तरीन मुश्किलात में से एक मुश्किल उस जगह होती है, आप हक पर हो, आपको पता है दुश्मन बातिल है, और वो बातिल पर होकर आपके ऊपर फतह का जश्न मनाए, यहां तौहीद चैलेंज में आती है। मेरे ख्याल हम लोगों ने इसको कभी फील किया, क्योंकि हमने शायद हक के लिए कभी इतना कोई शदीद मारका किया ही ना हो। हाँ, हम अपनी जायदादों के लिए शायद लड़े होंगे, अपनी नफ्स परस्तियों के लिए शायद लड़े होंगे, अपनी ख्वाहिशात के लिए शायद लड़े होंगे, लेकिन किसी ऐसी जंग में गए हों जिसमें हम सिर्फ हक के लिए आए हों और बातिल जीत जाए और हमारे सामने फतह का जश्न मनाए हमारी बेइज्जती करके, यहां तौहीद चैलेंज में आती है। इंसान जो मेरा जैसा एक आम इंसान हो, वो अपने आप से सवाल पूछने लगता है, अगर मैंने सब कुछ खुदा के लिए किया तो खुदा ने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? यहां तौहीद समझनी पड़ती है, और ये तौहीद की बारीकी है। बहरहाल ये एक हिस्सा है अज़दारी सैयदुश्शुहदा का, कि हमें खुदा से नज़दीक करे, और एक और हिस्सा आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फरज। ऐज़ान मोहतरम, ये जो तीन जुमलात मैंने आपकी खिदमत में सैयदुश्शुहदा से अर्ज़ किए, और यही जुमलात सैयदुश्शुहदा के वालिद गिरामी मौला अमीर मोमिनीन से भी मंसूब हैं, उनकी ज़ात पे दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। सैयदुश्शुहदा के और उनके वालिद गिरामी के पैगामों में से एक अहम पैगाम है, और वो क्या है जो मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, कि हम जब करबला को सोचते हैं और करबला से सीखने को सोचते हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि कभी कोई बातिल आएगा यजीद की तरह, मैं उसका मुकाबला करूँगा, उस मुकाबले में मैं अकेला रह जाऊँगा, यहाँ से मेरी करबला है। तो मैंने अर्ज़ किया कि ये ऐसा नहीं होगा, शायद किसी के साथ हो जाए, मामूलन लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा, हम लोग शायद इतनी थोड़ी सी सख्त बात इतनी अहलियत ना रखते हों कि खुदा हमसे इतना बड़ा कोई इम्तिहान ले। हकीकत ये, हम में शायद इतनी अहलियत ना हो कि खुदा हमसे इतना बड़ा कोई इम्तिहान ले, लेकिन हमसे छोटे छोटे इम्तिहानों को लेकर हमारी एलिजिबिलिटी को साबित करवाता रहेगा, हमसे इम्तिहान लेता रहेगा। और इस जमाने में खासकर जिसके ऊपर मैं अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में, मिसाल के तौर पर मैं इतना अच्छा मुजाहिद होता कि मैं इस्लाम की नुसरत के लिए खड़ा होता, यजीद जैसे के सामने आता, यजीद को ललकारता, और उसके बाद चाहे अकेला रह जाता, मैं उसका मुकाबला करता, क्या मैं इस इम्तिहान में जाऊंगा? मैंने अर्ज किया मेरे अंदर शायद इतनी सादत नहीं हो, शायद इतनी अहलियत ना हो, लेकिन एक सवाल है, अगर कोई ऐसा हुआ तो मैं उसका साथ दूंगा? मैं तो वो नहीं हूं,
सैयद शोहदा ने मदीने में फरमाया मिसली ला युबायो मिसलहू, मेरा जैसा इस जैसे की बैत कभी नहीं करेगा। इसका मतलब है सैयद शोहदा फरमाने हर दौर में कोई ना कोई मेरा जैसा आता रहेगा, मैं तो वो नहीं हूं, मैं तो सैयद शोहदा की तरह नहीं हूं कि उनकी तरह जालिमों की बैत का इनकार करूं और इस मुश्किल में पढ़ूं। लेकिन सवाल यह, सैयद शोहदा के दौर में एक सैयद शोहदा थे, चंद उनका साथ देने वाले थे। जिन लोगों ने साथ दिया उनको हम इतना अच्छा समझते हैं, और मेरे मऊ से भी नजदीक आता है कि हम कहते हैं या लैतना खुन्ना माकुम फनफूजा माकुम। अच्छा, ये जो या लैतना है, ऐ काश मैं आपके साथ होता तो मैं आपकी तरह फौज और सआदत को हासिल करता, क्या ये काश आज के दौर में नहीं आता होगा? अच्छा, अब हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है, शायद हम स्पेल आउट भी नहीं करेंगे लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग है, वो क्या है? एक तरफ से हम ये कहते हैं मिसली ला युबायो मिसलहू, हर दौर में हुसैन होगा, लेकिन हमसे कोई पूछे आज के दौर में वो हुसैन कहां है जिसका तुमने साथ दिया, तो मैं कहता हूं शायद आज के दौर में ऐसा कोई नहीं होगा। अभी तो आपने कहा था मिसली ला युबायो मिसलहू, मेरा जैसा इस जैसे की बैत कभी नहीं करेगा, और आपने कहा था कि आफाकी है, सैयद शोहदा का कहना इस अंदाज का है, आज के दौर में कौन होगा? फिर एक और बहुत बड़ा सवाल आएगा, नंबर एक होगा या नहीं होगा, नंबर दो अगर हुआ तो हमने उसका साथ दिया है या नहीं दिया, तीसरा सवाल बाद में आएगा कि अगर साथ नहीं देंगे तो क्या होगा। अब मैं सिर्फ एक मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं जिसको मैं जुरअत के साथ कह रहा हूं कि हां ये मुझे लगता है कि ऐसी कोई मिसाल हो सकती है। भाई आपके सामने अगर एक ऐसा केस मैं आपसे अर्ज करूं, खुदा मदद फरमाए इंशाअल्लाह, कोई शख्स किसी नजरिए की खातिर खड़ा हो और उस नजरिए की बुनियाद सैयद शहदा और अहले बैत की मोहब्बत हो, एक शख्स किसी नज़रिए की खातिर खड़ा हो आइडियोलॉजी के ऊपर, उस आइडियोलॉजी की बेस अहले बैत की मोहब्बत हो, और इस राह में उसके छः बच्चे मारे जाएं, छः नहीं करें चार कर लीजिए, चार बच्चे मारे गए, खुद भी जख्मी हो कैदी बनाया जाए, अहले खाना भी कैदी बनाए जाएं, सैकड़ों उसके चाहने वाले जालिमाना तशद्दुद के साथ शहीद कर दिए जाएं, इसका साथ देना चाहिए नहीं देना चाहिए? अच्छा, अब मैं अपने अपने दिल से पूछता हूं वो ये कि अगर हमारे दौर में ऐसा कोई होता तो हमें उसका साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? हमने साथ दे दिया तो फिर हम करबला से क्या सीख रहे हैं? यहां पे एक बहुत बड़ा खतरा है, चूंकि इब्तदाई आजादारी है, मैं आपकी खिदमत में सारी बातें अर्ज कर रहा हूं वो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने सैयद शोहदा की आजादारी को उसकी हकीकत में, उसकी रियलिटी में, उसके कोर एसेंस में समझने की कोशिश नहीं की। अब मैं अपने ऊपर रखकर उसके बारे में कह सकता हूं जो गलत हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैं तालिबे इल्म हूं, दीनी तालिबे इल्म हूं, दुनिया में कहीं ना कहीं से मुझे मुहर्रम के चंद दिनों के लिए लोग बुलाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। जब मैं चला जाऊंगा तो वहां पर उन चीजों में से जिनको मुझे सीखते हुए 34 ईयर्स हो गए 10 दिन बोल ही लूंगा। जब 10 दिन बोल लूंगा और चूंकि मुझे 30 ईयर्स से ज्यादा हो गए बोलते हुए तो थोड़ा बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर ही लूंगा, इतना कि 4 साल 5 साल बाद दोबारा बुला लें। आज़ादारी के लिए इतना काफी है। अच्छा, जो लोग आए हैं वो क्या आए हैं,
उनका सईद उश्शहदा से एक ताल्लुक़ है, और उनमें से कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि हम इस सईद उश्शहदा की अज़ादारी में जाएंगे तो हमारी दुनिया आसान हो जाएगी। तो मिसाल के तौर पर आप किसी से पूछते हैं तो अपने घर में अज़ा करते हो, वो कहता है हाँ जी अज़ा करता हूँ। क्यों अज़ा करते हो? मौलाना पूरे साल बरकतें आती रहती हैं, और बरकतों से इसका मतलब क्या है कि अहले खाना सब नमाज शब पढ़ते हैं? नहीं, बरकतों से इसका मतलब ये, इसका बिज़नेस बढ़ता है, इसकी सैलरी बढ़ जाती है, इसकी लग्जरीज में और इसकी ज़िंदगी के आसाइशों में और लज्जतों में इजाफा हो जाता है। आप इंसाफ से बताइएगा, ये अज़ादारी का हक हो गया? मुझे इससे डर है, मुझे सारा डर है वो इससे कि खुदा ना करे नाऊज़ु बिल्लाह हमने अज़ादारी को इस तरह ना देख लिया। हमें क्या करना चाहिए? हमें, मैंने अर्ज़ किया, सैयद उश्शहदा के पैगाम को समझने की कोशिश करना चाहिए। सैयद उश्शहदा ने तौहीद को ज़िंदा किया था, अज़ादारी सैयद उश्शहदा तौहीद को ज़िंदा करे हमारे दिलों के अंदर। सैयद उश्शहदा ने जालिम को ललकारा था, मजलूमों का साथ देने की बात की थी, खुद सबसे बड़े मजलूम करार पाए। सैयद उश्शहदा की अज़ादारी हमें मजलूमों का साथ देने की हिम्मत दे। और एक और बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमें अज़ादारी सईद उश्शहदा में करनी है और आपने मुझे करनी है, ये हमारी सबसे अहम ज़िम्मेदारी बनेगी, और वो ये है कि आप एक ख़ास मोहब्बत के साथ यहाँ पे तशरीफ़ लाएं, सईद उश्शहदा से एक पाकीज़ा मोहब्बत। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सब लोग फ़िलासफ़र्स हो जाएं, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सब लोग पोलिटिकल साइंटिस्ट हो जाएँ, सब लोग नहीं मालूम कोई सोशल मूवमेंट के फाउंडर्स हो जाए, नहीं, नहीं होगा। यहाँ बहुत सारे लोग होंगे ऐसे दुनिया भर के अंदर कि जो लोग सिर्फ सैयद उश्शहदा के साथ एक ज़ाती मोहब्बत के लिए आए हैं यहाँ पर। अच्छा, अगर कोई शख्स सिर्फ इन तमाम बातों को नहीं समझता जो मैंने अभी अर्ज़ की, मजलूमों का साथ देना, जालिमों को ललकारना, ये सारी बातें उसको समझ में नहीं आती, सिर्फ इमाम हुसैन की खालिस मोहब्बत, खालिस मोहब्बत पे इसरार क्यों कर रहा हूँ? दुनिया की खातिर नहीं, दिखावे की खातिर नहीं, रिचुअल्स की खातिर नहीं, सिर्फ सैयद उश्शहदा की खालिस मोहब्बत में यहाँ तक आए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, सैयद उश्शहदा उसे कहाँ लेके जाएंगे? भाई अगर कोई शख्स सैयद उश्शहदा की खालिस मोहब्बत के साथ यहाँ तक आया, और मैं चूंकि इसके बाद वाले जुमले थोड़े से ख़तरनाक हो सकते हैं, सख्त नहीं ख़तरनाक हो सकते हैं, इसलिए अपने ऊपर रख लेता हूँ, फ़र्ज कर लेते हैं कि मैं आशिकाना मुखलिसाना सच्चे तरीन जज्बात के साथ इमाम हुसैन की मोहब्बत और अकीदत में मजलिस पढ़ता रहा हूँ, तो सैयद उश्शहदा मुझे कहाँ लेके जाएंगे? शोहरत देंगे, ताकत देंगे, दौलत देंगे? मैं जो सैयद उश्शहदा से सच्ची मोहब्बत करूं पूरे खलूस के साथ, सैयद उश्शहदा मुझे जवाब में दौलत दे दें, आज सैयद उश्शहदा मुझे इस पे छोड़ देंगे? कसम खा रहा हूं ऐसा नहीं होगा। अगर कोई वाकई सैयद उश्शहदा के साथ खालिस मुखलिस सच्ची तरीन दिली मोहब्बत के साथ आए सैयद उश्शहदा की बारगाह के अंदर, सैयद उश्शहदा उसे क्या देते हैं? उनके अजदाद ताहिरीन क्या देते हैं? उनकी ये पाकीज़ा नस्ल क्या देती है? वल्लाह कह सकता हूँ कोई सच्ची मोहब्बत से आए और सैयद उश्शहदा से कहे मौला मुझे कुछ नसीब करें, सैयद उश्शहदा सिर्फ दौलत नहीं देंगे। क्यों? दौलत हकीर है, खुद उनके जद्द अमजद ने कहा है कि हकीर है। दुनिया नहीं देंगे कि सिर्फ दुनिया दे के छोड़ दें, मुमकिन है दुनिया भी दें लेकिन सिर्फ दुनिया दे के छोड़ दें यह नहीं हो सकता है, कसम खा रहा हूं कि नहीं हो सकता। अगर कोई सच्ची मोहब्बत के साथ आया तो सैयद उश्शहदा क्या देंगे उसे? सैयद उश्शहदा वो देंगे जो जॉन ने मांगा था, वो देंगे। करबला के वाक़े के अंदर लोग इमाम हुसैन से सैयद उश्शहदा से कहते रहे कि मौला हम पैसा देना चाहते हैं, हम घोड़ा देना चाहते हैं, हम शमशीर देना चाहते हैं। क्या इमाम हुसैन ने कबूल किया? नहीं।
किसे कबूल किया। हत्ता अगर कोई नसरानी ये कहकर आया ना कि मैं जान दूंगा, उसे इमाम हुसैन ने कबूल किया, उसे कबूल किया। तो मैं यकीन से कह रहा हूँ, खालिस यकीन से कह रहा हूँ, जो मुझे समझ में आ सकता है वो ये कि अगर मैं सैयदुश्शहदा की सच्ची तरीन मोहब्बत के साथ यहाँ पर आया और वाकई मैंने सैयदुश्शहदा से मांगा कि मौला मैं नहीं मांग रहा आपसे कुछ कि आप मुझे दौलत दें, आप मुझे शोहरत दें, मैं कुछ नहीं मांग रहा, असल मैं जन्नत भी नहीं मांग रहा, मैं आपसे कहूँगा मौला आप मुझे बताएं जो आप अपने चाहने वाले को देते हैं वो क्या है, आप खुद मुझे बताइए वो किस किस गुरोह के सरदार हैं, किस गुरोह के सरदार हैं। जन्नती बहुत हैं, इमाम हुसैन शुहदा के सरदार हैं, जन्नती बहुत हैं, इमाम हुसैन शुहदा के सरदार हैं। अगर मैं इमाम हुसैन की सच्ची मोहब्बत के साथ उनकी बारगाह में पहुंचा और कहा मौला मैं सिर्फ आपके लिए यहां तक आया हूं, तो इमाम हुसैन क्या देंगे? शायद दुनिया भी दें, लेकिन दुनिया सिर्फ नहीं दे सकते। जो मुझे समझ में आता है अभी तक, वो सैयदुश्शहदा कहेंगे अगर तुम इतने ही मेरे चाहने वाले हो ना तो मैं तुम्हें ये सआदत दूंगा कि तुम्हारी जान मेरी राह में कुर्बान हो। ये मुझे समझ में आता है। सैयदुश्शहदा, देखिए ये जो जुमला मैं आपकी खिदमत में, जो लकब मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, सैयदुश्शहदा, शहदा के सरदार। तो अगर कोई वाकई सच्ची मोहब्बत के साथ इमाम हुसैन के पास आया है तो उनके गुरुओं में बैठना चाहता है या कहीं और बैठना चाहता है? कि गुरुओं में बैठना चाहता है। उनका गुरु किसका है? शहदा का, शहीदों का। तो जो वाकई चीज मिलनी चाहिए ऐसे किसी सच्चे तरीन चाहने वाले को, जो खुद ना मांगे कुछ, इमाम हुसैन उसको शहादत नसीब करेंगे, इमाम हुसैन को शहादत नसीब करेंगे। अच्छा, अब मुझे एक और बात समझ में आती है, अगर किसी को शहादत नसीब होनी है, शुजात मिलेगी उसे या नहीं मिलेगी? कोई बुजदिल शहीद देखा है? कौन सा बुजदिल शहीद होता है भाई? बुजदिल इंसान जिसके अंदर शुजात नहीं होती, ब्रेवरी नहीं होती, जब उसको कोई मुश्किल आती है वो घरों में बैठ जाता है, वो कहाँ शहीद होता है? जब सैयदुश्शहदा किसी को शहादत देंगे तो शुजात देंगे या नहीं देंगे? कतअन देंगे। हिम्मत को बुलंद करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, बुलंद हिम्मत कर देंगे। अच्छा, छोटी हिम्मत के लोग कौन होते हैं, बड़ी हिम्मत के लोग कौन होते हैं? आपकी जहन की ताजगी के लिए दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद का, बड़ी हिम्मत और छोटी हिम्मत, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मैं आपकी खिदमत में मुख्तलिफ अंदाज से अगर अर्ज़ करना चाहूँ तो हमारे पास एक बहुत मशहूर वाक़या है। किसी शख्स को वक्त के इमाम का दीदार नसीब हुआ था, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद, काफ़ी इंतज़ार करने के बाद, काफ़ी इंतज़ार किया, पूरा वाक़या मैं नहीं अर्ज़ करूँगा आपकी खिदमत में, काफ़ी इंतज़ार करने के बाद कोई शख्स आया और उसने कहा कि तुम्हें वक्त के इमाम से मिलना है तो मेरे साथ चलो। उसने कहा ठीक है। पुराना ज़माना था जब वो जानवरों के ऊपर सवारी किया करते थे, तो वो चलते रहते हैं चलते रहते हैं, एक जगह के ऊपर पहुँचते हैं जो तकरीबन समझ लीजिए बयाबान है, बिल्कुल कोई जगह वहाँ पर कुछ है ही नहीं वहाँ पर। तो वो बताता है जो साथ उनको लेकर आया था, कहता है देखो यहाँ पर रुक जाओ, वो जो सामने कैंप नज़र आ रहा है ना जिसमें बहुत ऐसी नूरानियत आ रही है, इसमें इमाम बैठे हैं। अब ये दोनों अपने जानवर पे आए थे, मसलन दोनों घोड़े पर आए थे। अच्छा, उस ज़माने में होता ही था कि जब मैं घोड़े से उतरूँगा तो उसे कहीं बांध दूँगा ताकि घोड़ा भाग ना जाए, क्योंकि अगर घोड़ा भाग गया तो मैं फिर वापसी पर कहाँ जाऊँगा, जैसे हम लोग क्या होगा, गाड़ी पार्क करूंगा मैं कहीं ना कहीं। तो ये घोड़े से उतरे और घोड़े उतरने के बाद देखे मैं कहाँ बांधूं, तो जो लेकर आया था उससे पूछा मैं घोड़ा कहाँ बांधूं, तो उसने कहा कि इसीलिए तुम्हें दीदार नहीं मिल रहा था। क्यों? तुम इमाम के खेमे के सामने खड़े होकर भी पूछ रहे हो गाड़ी कहाँ पार्क करूं। अब मैं डर क्या रहा हूं, हम लोग चेहलुम तक गाड़ी की पार्किंग सोचते रहेंगे,
मुझे डर ये है। लिटरली वैसे आप पार्किंग सोचें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन होता है, लेकिन जिंदगी में भी पार्किंग ही सोचते रहें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। अगर आपको सैयदुश्शुहदा की मोहब्बत में यहाँ तक आना नसीब हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, थोड़ा सा अपग्रेड हो जाओ, थोड़ा ऊपर भी तो आओ। मैं अपनी दुनिया सोचता रहा हूँ कि मैं थोड़ी सी शोहरत मिल जाएगी, मैं थोड़ा दुनिया देख लूँगा, थोड़ा पैसा कमा लूँगा। आने वाले सिर्फ ये सोचते रहे हम इमाम के नाम पर जमा हो रहे हैं, बीमारियाँ दूर हो जाएंगी, दुनिया की मुश्किलात हल हो जाएंगी, फ़क्र फाका ख़त्म हो जाएगा, जॉब्स लग जाएंगी, बिजनेसेस बढ़ जाएंगे, फिर जॉन कौन बनेगा, हुर कौन बनेगा, ये फील्ड किसके लिए छोड़ी है? अच्छा, अगर किसी और के लिए फील्ड छोड़ी है तो फिर हमारा इमाम हुसैन से क्या ताल्लुक है? इसको मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा बुलंद हिम्मत बने, हिम्मत थोड़ी सी पकड़ने की कोशिश कर। अच्छा, अब वो जो जिसकी हिम्मत बुलंद नहीं होती वो क्या करता है? वो घोड़े सोचता है, ये कहाँ बांधूँ, वो कहाँ रखूँ, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, सब यही सोचता रहेगा। अच्छा, ये नहीं सोच रहा कि मैं इमाम के खेमे में आया था, वापसी का क्यों सोच रहा हूँ? भाई सोचना तो ये चाहिए था ना कि मैं अपनी ज़िंदगी छोड़कर इमाम के खेमे में आ रहा हूँ, बस मामला ख़त्म हो गया, मुझे यहीं रहना है, वापसी का सोच क्यों रहा है? अच्छा, अगर तुम्हें घोड़े की वापसी पर ज़रूरत होती तो ये इमाम ज़माने का मालिक घोड़ा नहीं दिला पाएगा, तुम क्यों अपनी खोपड़ी लगा रहे हो इस काम के ऊपर? यहाँ तक आने के बाद भी अज़ीज़ान मुहतरम, मैं आपकी खिदमत में बस ये अर्ज़ करना चाहूँगा, खुदा ने सआदत दे दी है, सैयदुश्शुहदा के नाम पर बैठने का मौका मिल गया है, सैयदुश्शुहदा के नाम पर इंशाअल्लाह गिरिया करना भी नसीब हो जाएगा, और इस गिरिए के पीछे जो हमें और आपको खुदा से मांगना होगा वो ये, खुदा हमारे वजूद को बुलंद हिम्मत कर दे, हमारी हिम्मतों को इतना बुलंद कर दे कि हम करबला के अंसार से सीखें और वक्त के इमाम के नासिर बन जाएं। हमें यहाँ तक पहुँचना है, ये हमारा टॉपिक है। चंद साल पहले जब हम यहाँ पे हाज़िर होने की सआदत पाए तो हमने सैयदुश्शुहदा के आवान व अंसार की खासियतों के ऊपर काफ़ी गुफ्तगू की, आराइज पेश किए। इस दफ़ा जो हमारा इरादा है वो ये है कि फोकस करें वक्त के इमाम के इस मामले के ऊपर, वहाँ से कनेक्टेड रहेंगे। हमने टॉपिक लिया है करबला से जहूर तक नुसरत इमाम के मराहिल, हम कनेक्टेड रहेंगे करबला से, लेकिन ज़्यादा फोकस करेंगे वक्त के इमाम के ऊपर, आज के ज़माने के तकाज़ों के ऊपर, और कैसे ये जो मैंने अभी आपकी खिदमत में चंद जुमलों में अर्ज़ किया, कैसे अपने आप को एलिवेट करें, थोड़ा सा बुलंद करें। और मुझे डर ये है कि हम ना कर पाएँ, और अगर हम इंशाअल्लाह थोड़ा सा मेहनत करके अपने आप को, थोड़ी हिम्मतों को ज़्यादा कर लें, थोड़ा सब्र को बढ़ा दें, थोड़ा कुर्बानी देने की ताकत ले आए, थोड़ा अटैचमेंट्स कम कर लें, इन सब को हम गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह, तो फिर क्या होगा? बहुत सारे लोग ये कहते हैं तुम इमाम हुसैन का नाम लो सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी, तो मैं कहता हूँ इसका मतलब है नाम सही नहीं लिया है। तुम इमाम हुसैन का नाम लो नई मुश्किलात आएंगी, नई मुश्किलात आएंगी। वो कौन सी मुश्किल होंगी? वो दौलत की खातिर नहीं आएंगी, वो दीन के दिफा के लिए आएंगी। दौलत के लिए आए ना तो परेशान हो भी जाए इंसान, कोई मसला नहीं है, दीन के लिए आए और हमारी ज़िंदगियाँ इसके ऊपर लगें, तो ये इंशाअल्लाह ये हमारा टॉपिक रहेगा। और हम सबको मालूम है कि खुदा ने मुताल अपने बंदों को सैयदुश्शुहदा के ज़रिए से नवाजना चाहता है। सबसे वसी दस्तरखान खुदा ने मुताल की रहमत का सैयदुश्शुहदा का नाम है, उनके ज़रिए से नवाजना चाहता है। और परवरदिगार आलम ने ये मौका नसीब किया, इंशाअल्लाह हम इस टॉपिक के ऊपर ये चंद दिन आपकी खिदमत में आराइज पेश करेंगे, और जो हमारी कोशिश होगी वो ये कि हम उन क्वालिटीज़ को डिस्कस कर सकें
उस चेंज को डिस्कस कर सकें जिसके ज़रिए से इंशाअल्लाह हम और आप अपने इमाम की नुसरत के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार हो सकें। नुसरत, इमाम की मदद करना, ऐसा नहीं है कि आपने अपने कैरियर में या इंजीनियरिंग लिया या मेडिसिन ले लिया, अकाउंट्स लिया या कंप्यूटर्स ले लिया, आईटी ले लिया, ये नुसरत ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। यानी शायद जो मुझे अभी तक समझ में आता है, सिर्फ इशारतन अर्ज़ कर रहा हूँ, नुसरत बाहर से होने वाला कोई अमल नहीं है। ये जो इमाम की नुसरत है ये अंदर की कोई तब्दीली है जो इतना ऊपर लाती है कि फिर इंसान इमाम के साथ ही रहता है। अंदर की कोई तब्दीली का नाम है, ये बाहर के डिसीशंस नहीं है। ये यानी मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आऊँ पढ़ने के लिए या किसी और शहर जाऊँ, ये बाहर का एक फ़ैसला है। मैं इस कैरियर में जाऊँ या उस कैरियर में जाऊँ, ये बाहर का एक फ़ैसला है। लेकिन मैं अंदर से उस लेवल पर प्योरीफाई हो जाऊं कि इमाम मुझे चूज़ कर लें, ये बाहर का फ़ैसला नहीं है, ये अंदर का फ़ैसला है। नुसरत इमाम अंदर का कोई मामला है, ये बाहर का मामला नहीं है। तो जो लोग अंदर की तब्दीली के बग़ैर नुसरत इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए खबर अच्छी नहीं है। ये बाहर से नहीं होगा, ये मुसलसल अंदर से होगा। और इसको मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। सैयदुश्शुहदा की इस मोहब्बत को बढ़ाना ये हमारा तीसरा हदफ है। आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, जज्बात के साथ भी हैं। और यह अज़ादारी सैयदुश्शुहदा का एक बहुत अहम हिस्सा है। अगर ये कोई कॉन्फ्रेंस होती तो कॉन्फ्रेंसिस 1400 साल नहीं चलती हैं, कॉन्फ्रेंसेस नहीं चलती। जो कुछ हमारे दोस्त अहबाब बाज़ोकात हम जैसे कंजर्वेटिव्स लोगों कंजर्वेटिव से कहते हैं कि आप लोग प्रेजेंटेशंस की तरफ चले जाएं, तो मैं उनसे कहता हूं, और अभी पाकिस्तान में भी अर्ज़ कर रहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी में मिंबर से उतरने का रिस्क नहीं लूँगा, नहीं लूँगा रिस्क, क्योंकि मुझे ये डर है कि 1400 साल कुर्सी पे बैठा हुआ कोई खुतबा नहीं चला है, मिंबर पे बैठी हुई मजलिस चली है, ये मुझे लगा है। तो माशाल्लाह जिन जज्बात के साथ हम और आप हैं, सैयदुश्शुहदा की मोहब्बत के साथ, हमारा हम सब का काम ये है इस मोहब्बत को इस बढ़ता देखें, इस मोहब्बत में इजाफा करें। और यूं लगा जैसे खुदावंद मुताल ने जज्बात का पहलू खुद करबला में डाला है। यानी मैं अपने जहन से सोचता हूँ, शायद ये पॉइंट थोड़ा सा अजीब लगे आपको, नहीं मालूम वक्त में हम कहाँ पहुँचे, आखिरी मिनट्स। अगर खुदा ने जज्बाती पहलू ना डालना होता तो सिर्फ रोने पे सवाब ना देता। इसका मतलब है खुदा ने जज्बाती पहलू डालना है। अगर खुदा ने जज्बाती पहलू ना डाला होता, सिर्फ फलसफा होता, तो खाके शिफा को खाके शिफा क्यों बनाया। खुदा ने जज्बात के पहलू खुद डाले। और ये तो हमें अब जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह अब समझ में आ रही है, और मैं इंशाल्लाह कल इसके ऊपर अर्ज करूंगा बिल्कुल वक्त खत्म, कि सैयदुश्शुहदा की अजमत लोगों की तदाद ज़्यादा होने में मत ढूंढें, अजमत कहीं और ढूंढें। कल अर्ज़ करूँगा इंशाअल्लाह, खुदा मुताल ने मौका नसीब किया है और हमने अपनी ज़िंदगी में इस तरह सोचा है मुझे कि जब भी अशरा मजलिस की पहली मजलिस हो, अशरा मजालिस की पहली मजलिस हो, तो हम सैयदुश्शुहदा की शहादत का पुरसा उनकी वालिदा को दिया करते हैं। हमें करबला मदीने के दरवाजे से शुरू होती नजर आ रही है, हमें यूं लगा करबला मदीने से शुरू हुई है। और जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि हक पर हों, आप हक के लिए मुकाबला करें,
कोई आपका साथ ना दे और दुश्मन आपके सामने जश्न मनाए। बहुत सख्त है। अगर इतना सख्त लगा, अब मैं चंद जुमले बढ़ाता हूं। आप हक के लिए खड़े हों, हक के लिए मुकाबला करें, हक मुकम्मल आपके साथ हो, कोई आपका साथ ना दे और आपके घर पे हमला हो गया। अब भी किसी ने साथ नहीं दिया, आप हक के लिए तशरीफ फरमाओ, मुकाबले के लिए जाएं, आपके घर पे हमला हो, अज़ान मोहतरम, अब मेरे अंदर वो तरीका नहीं है बताने का, वो अंदाज नहीं है बताने का, लेकिन मैं मौला अमीर मोमिनीन के कलिमात से फायदा उठाऊंगा। मौला अमीर मोमिनीन कहीं तशरीफ फरमा हो रहे थे, गुजर रहे थे, कुछ लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, अबुल हसन, मौला अमीर मोमिनीन के लकब व कुनिये से पुकारा, कहा बैठ जाइए, हमारे दरमियान कुछ गुफ्तगू है। इमाम ने पूछा क्या गुफ्तगू है? कहा गुफ्तगू ये है कि जिंदगी का सबसे सख्त लम्हा कौन सा होता है। इंसान अपनी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात उठाता है, बहुत मुश्किलात उठानी पड़ती हैं। बाद लोगों की ज़िंदगी आसानियों में गुजर रही होती है, बाद लोगों की ज़िंदगी सख्ती में गुजर रही होती है। सख्तियों की भी लेवल्स होते हैं, सख्तियों की भी इंटेंसिटी होती है। तो कहा कि हम पूछ रहे हैं कौन सा सख्त लम्हा होता है। तो पूछा तुम्हारे नज़दीक सख्त लम्हा क्या है? कहा कि किसी ने कहा कि मेरे लिए तो सख्त लम्हा वो होता है कि मुझे कोई पैसे की ज़रूरत हो, कोई पैसा ना दे रहा हो और मैं बहुत मुश्किल में फंस जाऊं। दूसरे से पूछा, कहा मेरे लिए सख्त लम्हा वो होता है कि मैं कहीं जंग पे जाऊं और कोई मेरा साथ ना दे, तो मैं अकेला रह जाऊं, ये मेरे लिए बड़ा सख्त होता है। इसने सब लोगों ने कुछ कुछ बताया। अहसान मोहतरम, रिवायत में लिखा है, जब इन लोगों ने कहा आप बताइए कि सख्त लम्हा कौन सा होता है। अब अमीर मोमिनीन की ज़िंदगी को आप सोचिएगा, बचपने से लेकर इसमें उहद भी हुई है, इसमें बद्र भी है, इसमें खंदक भी है, इसमें शब हिजरत भी है, इसमें मक्का की ज़िंदगी भी है, शाब अबी तालिब भी है, सब कुछ है। अमीर मोमिनीन ने क्या फरमाया? कहा कोई तुम्हारी जौजा को मारे और तुम कुछ ना कर सको। हम लोग इस जुमले को कैसे बर्दाश्त करें? और ये कितना अजीब जुमला है। अगर हम लोग बाद अवकात सिर्फ जुमले को सुन पाते हैं, जाहिर है हम दिल की गहराई में नहीं जा सकते, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है। हम दिल के अंदर जाकर देखिए अंदर क्या हो रहा है। बस मैं नजदीक लाने की खातिर अर्ज करूंगा, ये अमीरुल मोमिनीन की जात कौन सी जात है? ये वो जात है जो फरमाते हैं, अगर मेरी रियासत में कोई यहूदन के पांव से जेवर छीन के ले गया और कोई इसको सुनकर गम से मरे तो हक पर मरा। अब मैं कहूंगा मौला अमीर मोमिनीन के इस जुमले को सुनना, कोई तुम्हारी जौजा को मारे जो बिन्त रसूल अल्लाह है। और अगला जुमला तो अब नहीं मालूम मैं कह पाऊं या नहीं कह पाऊं, कह सकना चाहिए भी नहीं कहना चाहिए, कोई तुम्हारी जौजा को मारे और तुम्हारी नस्ल का एक हिस्सा खत्म हो जाए। अमीर मोमिनीन फरमा रहे हैं, ये जिंदगी की सख्ती है। कोई जिंदगी को इस तरह से देखे अमीर मोमिनीन के लिए। और बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का क्या बयान, ये तो अमीर मोमिनीन ने बीबी के मसाइब को इस तरफ से बयान किया जो अमीर मोमिनीन ने देखा। अब बीबी सैयदा के मसाइब का क्या बयान, तो मैं दो तीन रिवायात अर्ज किया करता हूँ, बस उन रिवायतों को ही दोहराऊंगा और आपकी खिदमत में इल्तिमास दुआ अर्ज करूंगा। बस दो तीन रिवायतों में अगर मैं दोहराऊं तो मैं कहूंगा जरा उस मौके को सोचना जब सैयदा ताहरा को तमाचा लग चुका, दरो दीवार में पिस चुकी और अमीरुल मोमिनीन के गर्दन में रस्सी है और फातिमा हाथ बढ़ा रही है कि मैं अली का साथ दूंगी। अभी भी अमीरुल मोमिनीन का साथ देंगी।
और ये कौन सा मौका है। ऐज़ान मोहतरम, बाद औकात इंसान ऐसे मसाइब सुन बैठता है जिसके बारे में कभी सोचता है कहने चाहिए, कभी सोचता है नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर इंसान सोचता है जिंदगी में कितना वक्त बाकी बचेगा कि ना कहे। और ऐसा ना हो कि सैयदा की मज़लूमियत का कोई पहलू है जो दूसरे ना समझे और चले गए दुनिया से, तो उसकी खातिर अर्ज कर रहा हूँ। आयतुल्ला बहाउद्दीनी ये जुमला पढ़ा करते थे, हमेशा अर्ज करता हूँ, फरमाया जब उस लईन ने सैयदा को तमाशा मारा तो दूसरी तरफ से रुखसार दीवार से टकराया था। बस आखिरी जुमला और अर्ज करूंगा और इंशाअल्लाह वक्त के इमाम के हुजूर तस्लियत अर्ज करते हुए अदाए एहतराम के साथ बस एक और जुमला उस्ताद फातिमी निया बयान करते हैं। कहते हैं जब सैयदा दरो दीवार में पिसी तो जो पहला जुमला फरमाया का या मेहदी अदरिकनी। अला लानतुल्लाह अलल कौम अज़्ज़ालिमीन وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسين.